हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता भारद्वाज फ्रॉम प्रेडिक्शन फॉर सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्मिक नंबर्स के बारे में। तो ये यहाँ से मैं कार्मिक नंबर की सीरीज स्टार्ट करूँगी। तो कार्मिक नंबर एक्चुअली कौन से होते हैं, राइट? तो 13, 14, 16 एंड 19 दे आर कार्मिक नंबर्स। और जैसा कि इनका नाम दिखा रहा है कार्मिक, राइट? तो दिस इज ये जो कार्मिक नंबर है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट वर्ल्ड। आपके कुछ पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक डेब्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे अनसेटल्ड कर्माज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कार्मिक नंबर्स आते हैं, हमारे कोर नंबर्स बनकर। लाइक जैसे हमारा टैलेंट नंबर हो गया या आपका नेम नंबर बन के कार्मिक नंबर्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी 13 नंबर के बारे में, जो कि सबसे पहला इन सबसे वर्स्ट कार्मिक नंबर है। तो 13 नंबर की लाइफ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। हर काम में, हर चीज़ को पूरा करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हर काम में ऑब्स्टेकल्स आते हैं और बहुत हार्ड वर्क के बाद, बहुत ज़्यादा मल्टीपल अटैम्प्ट के बाद ही इनका कोई काम कम्प्लीट होता है। तो 13 नंबर लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनकी लाइफ में रहता है। एंड जैसा कि इन्हें हर चीज़ को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, और बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक नंबर ये थोड़ा लेज़ी होते हैं, लेज़ी भी कह सकते हैं आप, या डिसिप्लिन की थोड़ी कमी होती है इनकी लाइफ में। तो हर काम को इन्हें टालने की आदत होती है। आप किसी भी काम को ये कंप्लीट मतलब स्टार्ट कर देंगे तो कंप्लीट करने में अभी नहीं, इवनिंग में स्टार्ट करेंगे, देन नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कल। इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो सकते हैं ये। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है 13, अगर आपका कोई भी रूलिंग नंबर, कोई भी कोर नंबर अगर 13 है, तो आपको डिसिप्लिन होने की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। एक ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको। अपना काम अगर आपने स्टार्ट करा है तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द आप उसको कंप्लीट करें। मतलब अपनी चीज़ों को आपको कभी भी कल पर नहीं छोड़ना है, ये 13 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड कई सारे ऐसे एग्जांपल भी हैं न्यूमरोलॉजी में कि जिनका रूलिंग नंबर 13 थे, कुछ ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल रहे वो अपनी लाइफ में। लेकिन इनके लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये ऑर्डर मेंटेन रखें। इन्हें अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, इन्हें अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो इनको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। ये आप कह सकते हो कि आप इनकी डेस्टिनी ही यही है कि इनको बिना हार्डवर्क के ये अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो 13 नंबर नेटिव्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपना कंप्लीट फोकस एक ही डायरेक्शन में लगाएं, अपने गोल पर ही अपना कंप्लीट फोकस लगाएं, उस एक डायरेक्शन में ही हार्डवर्क करें। और उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि ये अपनी कंप्लीट एनर्जी एक टाइम पर एक ही टास्क में लगाएं, मल्टीपल टास्क एक साथ में ना, अदरवाइज इनको कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आएगी, वो सारे ही इनकम्प्लीट रह जाएंगे। तो पहले अपना एक टास्क कंप्लीट करें, एक प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करें, उसके बाद ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट को हाथ लगाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है 13 नंबर के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि डिसिप्लिन, ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है लाइफ में, पंक्चुअल रहने की ज़रूरत है, तभी इनको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और सबसे ज़रूरी पॉइंट एक और है 13 नंबर के लिए कि लाइफ में कभी शॉर्टकट ना लें, क्योंकि इनकी डेस्टिनी ये है कि इनको हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस मिलेगी। तो ये कभी भी किसी नेगेटिविटी की तरफ जाकर या लाइफ में शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ इनको वहाँ पर लॉस या हार्म ही होगा। तो फ्रेंड, ये थे 13 नंबर के ट्रेड्स। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी वो 14 नंबर ही लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।